हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक नर्सिंग फाउंडेशन का है, वो है डायरिया। एलिमिनेशन का टॉपिक है डायरिया। डायरिया के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में डेफिनेशन। डायरिया के जो मेन टॉपिक्स हम पढ़ते हैं एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के बेसिस से, तो उसमें डायरिया क्या होता है, उसकी कॉज क्या है और नर्सिंग केयर क्या है, मेनली इन तीनों पर फोकस किया जाता है। तो सबसे पहले डायरिया की डेफिनेशन क्या होगी। डायरिया इज अ मैनिफेस्टेड बाई फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन ऑफ वाटरी स्टूल। वाटरी स्टूल का फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन होता है इसके अंदर, और ये इंक्रीज कर देता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, जिसके अंदर क्या होता है, रैपिड पासेज ऑफ फीकल कंटेंट थ्रू द लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिससे कि क्या होता है, लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या होगा, वाटरी स्टूल जो होगा उसका रैपिड पासेज होगा। इसके बाद क्या होगा कि दिस रिड्यूस द टाइम अवेलेबल फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन टू रीअब्जॉर्ब वाटर। ये क्या करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब होता है उसके टाइम को रिड्यूस कर देता है, और वाटर होता है वो स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। इट इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल लेस फॉर्म एंड मोर वाटरी। स्टूल की जो कंसिस्टेंसी होगी वो क्या होगी, लेस फॉर्म्ड होगी और मोर वाटरी होगी, ठीक है। दैट इज मोर डेफिनेटिव ऑफ डायरिया दैन इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन। जैसे कि क्या होगी, बार बार डिफिकेशन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जैसे कि वाटर स्टूल के कारण से। अलॉन्ग विद द हायर वाटर कंटेंट डायरियल स्टूल ऑल्सो वी कंटेन म्यूकस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज वॉल्यूम। डायरियल फ्लूड के डायरियल जो स्टूल होता है इसके अंदर क्या होगा, म्यूकस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा और ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगी और इंक्रीज करेगी वॉल्यूम को, स्टूल के वॉल्यूम को बढ़ा देगी। द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ रैपिडिटी विच इज रीचेज टू रेक्टम कॉज रेक्टल डिस्टेंशन। रेक्टल डिस्टेंशन भी कर देती है और अर्ग टू डिफिकेट द कॉर्पस। और ये क्या करती है, अर्ग एंड इसमें डिफिकेट करने की बार बार इच्छा होती है। कलर ऑफ द स्टूल कैन वेरी फ्रॉम लाइट ब्राउन टू येलो टू ग्रीन। ये होता है स्टूल के कलर्स इसके अंदर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है कॉज ऑफ डायरिया। डायरिया किस कारण से हो सकता है, उसकी कॉज होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के बारे में। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या होगा, इसके अंदर म्यूकोसा डैमेज हो जाएगा, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है वो डैमेज हो जाती है, और इसके अंदर वो किस कारण से डैमेज होती है, ड्यू टू टॉक्सिन्स के कारण या कोई भी ऑर्गेनिजम्स के कारण, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई टॉक्सिन है उसकी वजह से म्यूकोसा होती है वो डैमेज हो जाती है, जैसे कि सैल्मोनेलेसिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड अमीबियोसिस एंड फूड पॉइजनिंग। इन सब केसेस के अंदर म्यूकोसा डैमेज हो जाती है। देन नेक्स्ट जो कॉज होता है वो आता है नर्वस टेंशन। नर्वस टेंशन जो आएगा इसमें क्या होगा, इमोशनल एंड साइकोजेनिक डायरिया रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द साइकोसिम्पथेटिक नर्व सिस्टम, सॉरी पैरासिम्पथेटिक नर्व सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो डायरिया जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा पैरासिम्पथेटिक नर्व का, जिससे कि बार बार इंक्रीज होगा डिफिकेशन की इच्छा होगी बार बार, और मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट जो आता है वो होता है डाइट्री इंडिसिक्रेशंस। इसके अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल्स वेरी इन देयर टॉलरेंस टू सेम फूड एंड फ्रूट। सम पीपल मे हैव टू एलर्जीज टू सर्टेन फूड्स। मतलब कुछ जो लोग होते हैं वो नॉर्मल फूड्स जो लेते हैं उसके अंदर भी कुछ कुछ को किसी किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो वो उनके अंदर डायरिया कर सकती है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा मेडिकेशन। सम मेडिकेशन आर इरिटेंट्स फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बहुत सारी मेडिकेशन होती है जो खाली पेट लेने पर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इरिटेट करती है, इससे भी डायरिया की प्रॉब्लम्स हो सकती है। और जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई या आयरन हो गई, आयरन वाली टैबलेट्स हो गई, ये सब चीज़ें। उसके बाद आएगा अब्यूज ऑफ कैथारसिस। इसके अंदर आएगा एक्सेसिव इरिटेशन ऑफ कॉलन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ कैथारसिस की इन डायरिया। एक्सेसिव इरिटेशन होगा कॉलन के अंदर और ओवर यूज ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस का ओवर यूज यानी कि अब्यूज लिख रखा है तो वो डायरिया को लीड करता है, डायरिया करता है। नेक्स्ट आएगा मैकेनिकल कॉज। मैकेनिकल कॉज के अंदर आएगा इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाउल, मे बी कॉज बाय स्टेनोसिस एडहेसंस एंड ट्यूमर्स। स्टेनोसिस एडहेसंस एंड ट्यूमर की वजह से इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाउल होगा, बाउल का स्टेनोसिस हो जाएगा, तो इस वजह से भी मैकेनिकल कॉज होता है वो डायरिया करता है। नेक्स्ट आएगा अदर कॉज जो होगा वो डायरियल रेस्पॉन्स, मे बी प्रेसिपिटेटेड बाई लैक्टेज डेफिशिएंसी की वजह से भी डायरिया हो सकता है,
ग्लूटी इनटॉलरेंस और स्पेसिफिक फूड की वजह से एलर्जी हो तो भी डायरिया हो सकता है। इसके अंदर अपन नर्सिंग केयर क्या देंगे कि फूड और इलेक्ट्रोलाइट देंगे। सबसे पहले फूड और इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगी, वो इमिडिएटली जो रिड्यूस करेगी, जो फूड की जो कमी है उसको सही करेगी और उसको रिप्लेस कर देगी, और जो शॉक और कोलैप्स की जो कंडीशन होती है उससे भी प्रिवेंट करती है क्लाइंट को। ओरली फ्लूड देंगे, और क्लाइंट के अंदर ओरली फ्लूड एंड पैरेंटल फ्लूड भी अपन देते हैं। दोनों तरीके के फ्लूड दे सकते हैं, जैसे आईवी दे सकते हैं और ओरली दे सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लूड की जो कमी हुई है बॉडी के अंदर वो पूरी हो सके। नेक्स्ट आएगा पोटेशियम लूजेज मे बी क्रिएट विद डायरिया एंड देयरफॉर फूड, मतलब डायरिया के अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम जो आयन होता है वो सबसे ज़्यादा उसकी कमी आती है डायरिया के अंदर, तो अपन उसको आईवी फ्लूड के थ्रू पोटेशियम की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। देन नेक्स्ट जो आएगा नर्सिंग केयर के अंदर आएगा कि फ्रीक्वेंट फीडिंग फॉर ब्लैंड फूड मे बी हेल्पफुल इन मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर टू द क्लाइंट। क्लाइंट के लिए अपन जो फूड होगा फीडिंग के लिए ब्लैंड फ्रूड, जैसे कि दलिया, खिचड़ी या जो न्यूट्रिशन से भरी चीज़ें होती हैं, उन सबको देने पर क्या होगा, बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स की कमी आई है वो कम्प्लीट हो जाती है। और इसके बाद क्या होगा, मेक अरेंजमेंट फॉर द यूज़ ऑफ बैड बन एंड फॉर्मेट विद द प्लेस ऑफ कॉन्वीनियंट एंड असेसेबल प्लेस। नेक्स्ट आता है वो आएगा केयर ऑफ स्किन। स्किन की केयर में क्या होगा, स्किन एक्सफोलिएशन अराउंड द एनल रीजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर क्लीनिंग एंड ड्राइंग द एरिया ईच डिफिकेशन, मतलब ईच डिफिकेशन के बाद में प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे एनल एरिया की, जिससे कि स्किन इरिटेशन या इचिंग ना हो। इसके बाद आएगा एडिक्वेट टेस्ट। एडिक्वेट टेस्ट में आएगा रिड्यूसिंग द फिजिकल एक्टिविटीज हेल्पफुल फॉर लेसनिंग द बाउल एक्टिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकेशन होने पर या डायरिया होने पर क्या होता है कि बॉडी की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है या बहुत लॉस हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी की एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए अपन एडिक्वेट टेस्ट करेंगे बार बार, जिससे कि पता लगता रहेगा कि कितने जो प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर जो डाइट है वो फॉलो होती रहेगी, इस वजह से ट्रीटमेंट चलता रहेगा। साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट होगा पेशेंट को वो देंगे, जिससे कि पेशेंट रीअश्योर्ड होता रहे बार बार और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। नेक्स्ट जो आता है वो पॉइंट है नर्सिंग केयर के अंदर, वो आता है मेडिकेशन। तो प्रॉपर मेडिकेशन देंगे टाइम टू टाइम, जैसे एंटी डायरियटिक्स और उसके बाद एस्ट्रेंजेंस, इंट्रास्टाइनल एंटीसेप्टिक्स, सेडेटिव एंड एंटी स्पाजमोडिक्स, ये सारी मेडिसिन देंगे, जिससे कि वो प्रॉपर जल्दी